हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक नया सेशन और आज की जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो है कि लोग आपको पसंद क्यों करते हैं जरूरी नहीं ना सारे लोग आपसे नफरत करें आपको गलत समझें ऐसे भी लोग होंगे जो आपको पसंद करते होंगे जो आपको लाइक करते होंगे तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को पसंद है और आपको उन क्वालिटीज को जानकर उन क्वालिटीज को कंसिस्ट रखना है लगातार बनाए रखना है ताकि लोग आपको पसंद करते रहें और ना सिर्फ पसंद करते रहें बल्कि आज की वीडियो में कवर किया जाएगा कि आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी थोड़ी पॉपुलैरिटी भी बढ़े तो चलिए आज मैंने जो पाइल्स ली हैं अब आपकी स्क्रीन के ऊपर वो सब एक साथ प्रदर्शित की जा रही हैं पहली पाइल अच्छा मैं बता दूं ये तीन की तीनों पाइल्स जेन टैरो से ली हैं ओशो जेंट टैरो जो हैं उनसे ली गई हैं पाइल नंबर वन द फूल पाइल नंबर टू द मास्टर जिसपे खुद ओशो की फोटो बनी है और पाइल नंबर थ्री द क्रिएटर इन तीनों पाइल्स के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं द फूल टेरो कार्ड का, का काफी पावरफुल कार्ड है जो अपने आप में बहुत ही विद्वत्ता यानी कि ज्ञान को समेटे हुए है और द मास्टर जिस पर खुद ओशो बने हैं इनके बारे में तो कुछ कहना नहीं है सूरज को दिया दिखाने जैसा इनके बारे में कुछ कहना होगा और तीसरा द क्रिएटर इनको समझें ये ब्रह्मा जी के समकक्ष हैं जिन्होंने दुनिया को बनाई क्रिएट किया तो तीनों पाइल्स आपके सामने जिस पाइल के साथ आपको पहला लगाव पहला आकर्षण फील होता हो उसे अपनी पाइल बना लें और उसके अकॉर्डिंग आज की वीडियो को देखें तो दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दे दिए गए हैं टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं शुरू करने से पहले उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा जो मेरे साथ आज पहली बार जुड़े हैं हेलो एस्ट्रो गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ 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 प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलनी शुरू हो जाए और साथ ही साथ प्ले को चेक करिए बहुत सारे टॉपिक्स पर मैंने टैरो रीडिंग करी है जो आपके काम आ सकती है जनरल रीडिंग्स करी हैं जो टाइमलेस हैं जैसे करंट रीडिंग जो अभी आज मैं कर रहा हूँ ये भी जनरल रीडिंग है ये भी टाइमलेस रीडिंग है और मैं अपने पुराने व्यूवर्स पुराने को बिल्कुल नहीं भूला हूँ आप सभी का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए और मोटिवेशन के लिए भी जी हाँ आपके मोटिवेशन की वजह से ही लगातार वीडियोज ला पाता हूँ तो अब मैं एक एक पाइल की रीडिंग शुरू करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको लोग पसंद क्यों करते हैं और आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे आपकी पॉपुलैरिटी बनी रहे बरकरार रहे और बढ़ती रहे लेकिन शुरू करने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं आपकी स्क्रीन पर यह जो नंबर आ रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है इस नंबर को ये एस्ट्रो गुरु चैनल का व्हाट्सएप नंबर है इसे मेरी टीम हैंडल करती है तो जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए अपने किसी भी सिचुएशन में आप ब्लॉक फील कर रहे हैं हेजिटेट हो गए हैं लाइफ में आगे समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं या क्या करना चाहिए आपको या फैमिली फ्रेंड्स या पर्सनल रिलेशन में किसी तरह की प्रॉब्लम में हैं और आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप करें आप जब इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपका सेशन बुक करने में तो चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज की रीडिंग और मिलते हैं आपकी फाइल में हेलो पाइल नंबर वन आप सभी का स्वागत है आपने अगर द फूल को चूज किया था जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो आपकी पाइल नंबर वन है और अब आपके लिए टैरो रीडिंग शुरू करने वाला हूं और आज मैं फिर ट्रेडिशनल टैरो से कुछ अलग लेकर के आया हूं क्योंकि आज मामला आपकी पसंद का है तो ड्राइड क्राफ्ट टैरो मेरे सामने हैं और साथ साथ औरकल यौगिक पाथ नाम के टैरो भी हैं तो आज जेन कार्ड्स को रिप्लेस करेंगे ओरकल कार्ड्स और रेडर एंड को रिप्लेस कर दिया है ड्राइड क्राफ्ट टैरो ने तो थोड़ा सा न्यू कर दिया है मैंने लेकिन रीडिंग जानते ही हैं मेरी कैसी रहती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आज का भी आउटपुट मिलेगा ये थोड़ा बड़े हैं लेकिन <laughs> जब भी मैं इसे रीड करता हूँ तो मेरे माइंड में पहला जो थाट आता है वो ये कि बहुत बड़े कार्ड हैं बहुत बड़े कार्ड हैं लेकिन क्या करूँ इनका छोटा साइज आता नहीं और ये छोटे साइज में मिलते नहीं तो खैर पाइल नंबर वन अब आपके लिए रीडिंग शुरू कर रहा हूँ कार्ड्स की शफलिंग पूरी पहला कार्ड आपके लिए जो मेरे पास आया है क्वीन ऑफ द कप्स कार्ड नंबर टू आपके लिए जो आया है यह है डेथ कार्ड में डेथ एक कार्ड का नाम है जैसे डेविल है वैसे डेथ इससे अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भावना लेकर ना है मैं रीडर हूं मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये कार्ड आपके बारे में क्या बता रहा है तीसरा कार्ड आपके लिए आया है टू ऑफ द्स और आपके लिए कार्ड नंबर फोर पर आया हुआ है टू ऑफ दू ऑफ द्स ऑफ दॉ दोनों आ गए और आपके लिए लास्ट में कार्ड आया है टू ऑफ द पेंटिकल्स गजब की बात हो गई है टू ऑफ द दू ऑफ द और टू ऑफ द पेंटिकल्स तीन कार्ड्स दिन तीन तीन कर सिक्स, होते हैं, और जो नंबर सिक्स है इसके अपने अलग महत्व हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोफिजिक्स काफी चीजें होती हैं इसको डिवाइन नंबर भी मानते हैं तो पाइल नंबर वन आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन इन कार्ड से मेरे पास आई है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आ, लोग आपको पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि आप काफ़ी संतुलित व्यवस्था में रहते हैं अपने आप का जो आपका संतुलन है वो काबिल तारीफ़ है आप अपने आप को जिस प्रकार से चीज़ों में ढाल देते हैं जिस प्रकार से आप चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं और जिस प्रकार से आप अपने आप को बिना किसी लाग लपेट के पेश करते हैं जैसा कि डेथ का कार्ड मुझे बता रहा है जैसे हैं वैसे होते हैं जेनविन होते हैं बिल्कुल आप इस चीज की अनदेखी कर देते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे तो यही एक क्वालिटी आपको थोड़ा सा लोगों से अलग बना देती है क्वीन ऑफ द कप्स बताती हैं कि आपका जो व्यवहार है आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक गहराई है हालांकि मेच्योरिटी का लेवल जो है वो नजर नहीं आता उतना पता नहीं चलने पाता लेकिन उनके बावजूद उस चीज के बावजूद आपकी क्वालिटी जो है वो काबिल तारीफ है क्योंकि उसमें जो ग्रेस है वो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है लेकिन अच्छी चीज क्या है बुरी चीज क्या है दोनों बताता हूं पहला सिचुएशन को साधने में काफी समझदार हो जाते हैं आप कई बार अपने मित्रों को अपने परिवारजनों को अपने संबंधियों को जब वे दुविधा के शिकार होते हैं तो उन्हें सही रास्ता बताने में हेल्प भी कर देते हैं लेकिन लोग इरिटेट आपसे तब होते हैं जब उन्हें जरूरत नहीं होती और आप बिना वजह उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं कभी कभी थोड़ा रुक जाए थोड़ा वेट कर लें यह आपके लिए अच्छा रहेगा आपको पसंद करने के पीछे सबसे बड़े कारणों में ये है कि आप अपने आप को जल्दी से डिटैच कर ले जाते हैं भावनाओं में कम बहते हैं प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं तो ये चीज आपको दूसरों से थोड़ा अलग बनाती है और आपके बारे में एक आकर्षण पैदा करती है साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि आप चीजों को साधने में तो एक्सपर्ट हैं लेकिन साथ साथ इस चीज के लिए भी काफी ज्यादा प्रयत्नशील रहते हैं कि आपकी अपनी इमेज बनी रहे आप अपनी इमेज के साथ बिल्कुल खिलवाड़ करना पसंद नहीं करते ये बात भी लोगों को बहुत पसंद आती है जो चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद आती है वो भी बता देता हूँ वो ये है कि कई बार आप ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन में जब आपको शांत रहना चाहिए बिल्कुल आ, थोड़ा सा डिटैच हो जाना चाहिए तो बुरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल आती हैं जो लोगों को एक्चुअली हर्ट कर जाती हैं तो बस इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करें खैर अब गहरी जानकारी के लिए और अकल योगिक पात को मैं निकाल रहा हूं और इससे भी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपके बारे में लोगों की क्या राय है कि लोग आपको पसंद करते हैं और इसमें यह भी आएगा कि आप अपने आप को क्या करें अपने साथ में कि लोग आपको कंसिस्टेंटली पसंद करते रहें तो पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो है कृष्ण जी हाँ भगवान कृष्ण दूसरा कार्ड आपके लिए है आ, यमास यमास एक नाम है कार्ड का इसमें इसमें कई ऐसे कार्ड हैं जिनके नाम बड़े अद्भुत दिए गए हैं तीसरा कार्ड है तमस ये तमस है वो यमस था तो दोनों में बड़ा अंतर है तमस का मतलब होता है डार्कनेस यमस का मतलब होता है इनलाइटमेंट दोनों अलग अलग हैं मतलब एक दूसरे के पूरक कह लें या सिक्के के दो अलग अलग पहलू कह लें आपके लिए जो चौथा कार्ड मेरे पास आया हुआ है सॉरी ये है ललिता त्रिपुर सुंदरी और आपके लिए लास्ट में जो कार्ड आया हुआ है पाँचवें नंबर पर इस कार्ड का नाम है शिव नटराज की फोटो बनी हुई है नृत्य करते हुए नटराज तो शिव ये पांचवे कार्ड के रूप में आपके लिए आए हैं तो यहाँ पर तीन स्पिरिचुअल पर्सनैलिटीज मेरे पास आई हैं सबसे पहला कृष्ण दूसरे आई हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी और तीसरे आए हैं शिव ललिता त्रिपुर सुंदरी और शिव इन दोनों को एक तरह से पति पत्नी भी कहते हैं क्योंकि शिव और शिवा यही हैं शिव और पार्वती यही हैं शिव और शक्ति यही हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी माता पार्वती का ही एक आदि स्वरूप है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके बिना ललिता त्रिपुर सुंदरी उनको कहा जाता है वे ही शिवा हैं, शिव में जो ई की मात्रा इकार है वही शिवा हैं, वही है वो यानी कि उनको अगर हटा दे शिव में से तो शिव शव हो जाते हैं ऐसी व्याख्या सौंदर्य लहरी में भी आई हुई है तो खैर अब मैं आपको बताता हूं आपके बारे में लोग जो पसंद करते हैं उसमें सबसे जो मैंने बताया आपको जैसे आप हैं वैसे हैं कृष्ण आए हुए हैं और वो कहते हैं कि आप थोड़ा जेन्यन है लेकिन थोड़ा मिस्टीरियस भी हैं आपको अपनी मिस्टीरियसनेस को थोड़ा बनाए रखना चाहिए कई बार अपने बारे में आप ऐसी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं जिसकी जरूरत एक्चुअली सामने वाले को नहीं होती है लेकिन फिर भी आप अपने बारे में बताने का प्रयास कर जाते हैं शिव कहते हैं कि आपका जॉलीनेस जो है आपका जो सौम्य स्वरूप है या आपका जो हल्कापन है वो आपकी पर्सनालिटी में एक तरह से शाइन लेकर के आता है जैसे कई बार पर्सनालिटी बड़ी गंभीर हो जाए तो भी बोरिंग हो जाती है तो उसमें क्या करना होता है जॉलीनेस भी होनी चाहिए ताकि लोग उस चीज को अप्रिशिएट करें कि दिस पर्सन इज वेरी सो सीरियस वेरी जेन्यन बट वेरी फनी टू फन भी है तो उस चीज को ये मेनटेन करते हैं तमस का जो कार्ड है वो बताता है कि जब आप डिप्रेस हो जाते हैं निराश हो जाते हैं तो लोगों के बारे में गलत फीलिंग ले आते हैं मन में जब आप लोगों के बारे में गलत फीलिंग मन में लाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली लोग उस चीज़ को भाप जाते हैं आप पोकर फेस नहीं बना पाते तो पोकर फेस पोकर फेस का मतलब बता दूं चेहरे से भावों को पता ना चलने देने को पोकर फेस कहते हैं अंग्रेजी में वो ताश के पत्तों का पोकर का खेल होता है तो उसमें वो ऐसे झूठ मूट में और अच्छा उनके पास पत्ते नहीं आए हैं या मान लेते हैं इक्का आ गया तो वो शक्ल ऐसी बनाते हैं जैसे उनके पास में कोई ऐसी अहम पत्ता आ गया खैर तो खैर पोकर तो जानता नहीं थोड़ी मोड़ी जानकारी उसके बारे में जो थी वो आपको बता दी बस इसके आगे नहीं जानता पोकर में क्या होता है यमस का जो कार्ड है वो बताता है कि आप अपने आप को जितना अल्ट्रा शाइन कर सकते हैं घबराएं है नहीं उस चीज से कभी कभी हेजिटेशन या घबराहट आ जाती है कि लोगों के मन में, में मेरे लिए एक अच्छी फीलिंग आ रही है लोग तारीफ कर रहे हैं तो अंदर से हेजिटेट हो जाते हैं सिकुड़ना शुरू कर देते हैं तो वो सिकुड़े नहीं रहे जैसे कृष्ण आए हैं कृष्ण ने क्या कहा था गीता में मैं 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 सूर्य से पहले भी मैं था इस धरती के बाद भी मैं हूँ जगत से पहले भी था और जगत के बाद भी हूँ कोई है नहीं और कोई रहेगा भी नहीं तो कृष्ण हेजिटेट नहीं होते कृष्ण स्वयं को किसी बंधनों में नहीं बांधते कृष्ण अपने आप को कहीं बाउंड्री में फंसाते नहीं हैं कृष्ण अपने आप को जब व्यक्त करते हैं गीता में तो उनकी जो अभिव्यक्ति होती है वो जीरो से लेकर नहीं है वसंत हूं वृक्षों में पीपल हूं तो उनका जो भाव था उस भाव के अकॉर्डिंग ही आपको अपने अंदर एक ग्रेस लेकर के आना है अब आपको कृष्ण नहीं बनना कि वृक्षों में पीपल हूं कहते नहीं ऐसा नहीं लोग हंसेंगे ठीक है तो तो आपको अपने अंदर एक ग्रेस लेकर आना है और अपनी डार्क एनर्जी जो आपकी नेगेटिव एनर्जी अंदर आ जाती है कभी कभी नेगेटिव चीजें लेकर आती है उसे इस्तेमाल करना सीखें उस नेगेटिव चीज को कैसे इस्तेमाल करेंगे ललिता त्रिपुर सुंदरी हमें बताएंगी ये इसीलिए था ना कि ये रिलेट हो रहे हैं चीज एक चीज दूसरे से एनर्जी एनर्जी है मैंने अपने किसी वीडियो में कहा था कि ईश्वर को हम प्रकाश मान के चलते हैं क्योंकि हम अंधेरे से डरे हुए हैं अंधेरे में डर लगता है भूत <laughs> लाइट चली जाए तो घबराहट हो जाती है स्ट्रीट लाइट बंद हो जाए तो डर लगता है कि अरे क्या होगा क्यों क्योंकि हम अंधेरे से डरते हैं इसलिए हमारा जो इंसानी दिमाग है वो मानता है कि ईश्वर प्रकाश होगा इसलिए जब ईश्वर की छवि हम बनाते हैं तो उसके पीछे चारों ओर प्रकाश की किरणें निकाल देते हैं कि प्रकाश निकल रहा है ईश्वर से लेकिन ईश्वर डार्कनेस है लाइट जो है वो कंसिस्ट नहीं है जैसे कहते हैं ना ईश्वर कौन है सदा शिव सदा शिव कहते हैं ना भगवान शिव को कहते सदा शिव सदा शिव का मतलब क्या है वो सदा है सदा मीन्स ऑलवेज ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जब वो नहीं होंगे ऐसा कोई टाइम फ्रेम था ही नहीं जब वो नहीं थे ना ऐसा कोई टाइम फ्रेम होगा जब वो नहीं होंगे वे थे हैं रहेंगे वही वही हैं उनके अलावा कुछ है ही नहीं है खैर मेरे दूसरे चैनल पर कभी मैं स्पिरिचुअल बातें करूंगा तो इसके बारे में विस्तार से चर्चाएं करूंगा और नेक्स्ट वीक से वो भी शुरू हो रहा है <laughs> अच्छा तो मैं बता रहा था कि डार्क एनर्जी को भी यूज करना है अब डार्क एनर्जी जो है ईश्वर के बारे में बता रहा था पहले तो वो डिफाइन कर दूं ताकि वो वहां पर छूटे नहीं नहीं तो लोग लिखेंगे कि अरे आपने आधे में छोड़ दिया शिव की बात बोल करके तो ईश्वर अंधकार का नाम है अगर सचमुच ईश्वर का कोई प्रकाश या अंधकार में से रूप है तो वो अंधकार होना चाहिए प्रकाश नहीं होना चाहिए रात के अंधेरे में बाहर निकलिए घर से और सिर उठाकर देखिए अंतरिक्ष और आकाश की ओर हजारों अरबों करोड़ तारे हैं सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं आप अगर डिस्कवरी करें गूगल पर कि लार्जेस्ट स्टार की साइज क्या है कंपैरिजन बिटवीन द स्टार वर्सेस सन तो आप जान के हैरान हो जाएंगे सूर्य से हमारे सूरज से करोड़ों गुना बड़ा तारा है गैलेक्सीज हैं उनकी अपनी रोशनी है सबकी रोशनी है लेकिन सारी रोशनी मिलकर भी अंधकार को मिटा नहीं सकते अंधकार हमेशा है प्रकाश आता और चला जाता है लाइट जलाते हैं लाइट जल जाती है प्रकाश हो जाता है लाइट बंद करते हैं रोशनी चली जाती है अंधकार रहता है अंधकार न आता है न जाता है जि तो आ, कुछ कहानियों में चूंकि लोग अंधेरे से डरते हैं तो अंधेरे को बुराइयों से जोड़कर देख लिया गया और शैतान से जोड़ दिया गया बुरी चीज़ों से जोड़ते चले गए कि अंधेरा कायम रहे दुनिया भर का ये सब लेकिन सचमुच में ईश्वर अगर है तो अंधकार का नाम है क्योंकि वो सतत है हमेशा है न आता है न जाता है वो वहीं रहता है सिर्फ प्रकाश आता है और चला जाता है लाइट होती है तो अंधेरा नहीं दिखता लाइट चली जाती है तो फिर अंधेरा दिखता है लेकिन अंधेरा आप ला नहीं सकते अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा करिए कि यहाँ इस रूम में प्रकाश है यहाँ जरा अंधेरा ले आइए लेकिन बल्ब मत बंद करिए तो कोई उपाय नहीं अंधेरा लाने का <laughs> कोई उपाय है नहीं है लेकिन कितना भी अंधेरा हो कहा जाए प्रकाश लाइए तो दीपक जला देंगे टॉर्च जला देंगे मोबाइल का लीजिए हो गया प्रकाश तो इसीलिए डार्क एनर्जी से इसी नहीं पहली चीज एनर्जी निगेटिव जो होती है वो नुकसानदेह है वो घबराने वाली चीज है लेकिन डार्क एनर्जी कभी घबराने वाली चीज नहीं है उसका इस्तेमाल करें तो जब आप कभी अपने अंदर निगेटिविटी महसूस करें ऐसा लगे कि डार्कनेस आ गई है अगर कभी निगेटिविटी फील हो लेकिन निराशा ना फील हो होप बनी रहे आशा बनी रहे तो समझ लीजिए कि ये निगेटिविटी नहीं है ये डार्क एनर्जी है डार्क एनर्जी बड़ी ठंडी सी होगी कोल्ड एनर्जी होती है मेडिटेशन uh, की एक टेक्निक है डार्क एनर्जी की जिसे मैं कभी बताऊंगा आपको uh, मेरी टीम मेंबर्स इसको नोट कर लें डार्क एनर्जी के बारे में मुझे बोलना है तो डार्क एनर्जी जब भी आपको फील हो लेकिन होपलेसनेस ना फील हो उम्मीद की किरण बनी रहे निराशा की भावना ना आए तो आप समझें कि ये निगेटिव नहीं बल्कि डार्क एनर्जी है अब इसे यूज कैसे करना है वो बताता हूं आपको अपने अंदर ये फीलिंग लेकर के आनी है कि ये एनर्जी आपको मजबूत कर रही है पुष्ट कर रही है शक्ति दे रही है जब आप अपने अंदर ये फील करेंगे तो एक्चुअली आप में शक्ति आएगी डार्क एनर्जी की जो पावर होगी डार्क एनर्जी की जो शक्ति आप में आएगी वो आपको दूसरों से थोड़ा अलग करेगी जिससे लोगों में आपके प्रति थोड़ी घबराहट आएगी लेकिन ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी और आपको निराशा के भंवर में जाने भी नहीं देगी तो इस तरह इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं अब जब एक बार आपने इसको इस्तेमाल कर लिया और इस डार्क एनर्जी को अपने पर्सनल फायदे के लिए पॉजिटिविटी में ले लिया जो दूसरों को थोड़ी पसंद ना आए दूसरे आपसे घबराए तो अब इसी के तुरंत बाद आ जाते हैं शिव शिव जिनके बारे में कहा जाता है मृत्यु के देवता हैं वो हिंदू धर्म में और डार्क एनर्जी को वो भी यूज करते हैं शिव शमशान वासी है तो आप समझ सकते हैं ना शिव के बारे में जो बातें कही गई हैं भगवान शिव के बारे में वो डार्क एनर्जी से काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं जैसे तंत्र में डार्क एनर्जी को यूज किया जाता है तो जब वो डार्क एनर्जी की फीलिंग आपने अपने लिए पॉजिटिव ले ली तो अब आप शिव की मदद से यानी कि शिव भगवान का जो कृपा आपके ऊपर बरस रही है उसकी वजह से आप उस पॉजिटिविटी को जॉलीनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे और आप अपने बारे में लोगों के मन में चल रही अवधारणा को बदलने में सफल हो पाएंगे और इस तरह से आपको लोग पसंद भी करेंगे कि आप में अगर कुछ उनको निगेटिविटी फील भी हो जाती है तो वो निगेटिविटी कुछ समय के बाद पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि आप अपनी ही उस डार्क एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो इस चीज़ का आपको रखना होगा ध्यान थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया है अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम फील करते हैं तो थोड़ा सा बैक करके रिपीट सुन लीजिएगा आपको चीजें समझ में आ जाएंगी जो सबसे इंपॉर्टेंटली आपको नहीं करना है वो ये कि बिना किसी को जरूरत के सलाह नहीं देनी है थोड़ा सा वेट करें लोग आपसे सलाह मांगेंगे दूसरे आप अगर सही पाथ जानते हैं सही पथ जानते हैं कि, कि दोनों सिचुएशंस में से या तीन सिचुएशंस में से क्या सही मार्ग है लेकिन अगर आपसे पूछा नहीं जाता है तो थोड़ा रुकें वेट करें लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो कभी भी हसी मजाक में भी किसी को गलत सलाह नहीं दें क्योंकि इससे आपकी अपनी जो पॉपुलरिटी है वो बहुत कम हो जाएगी दूसरे पैसों को इंपॉर्टेंस देना तो बहुत समझदारी की बात होती है लेकिन अपने रिलेशनशिप में कभी भी पैसों को बीच में ना लाएं दैट मींस उधार लेने और देने के काम से थोड़ा खुद को दूर रखें यही आपके लिए फायदेमंद और अच्छा रहेगा तो पाइल नंबर वन आपके लिए आज इतना ही आज का वीडियो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप अपने एक्सपीरियंस अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर देखें इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय हेलो पाइल नंबर टू आप सभी का स्वागत है आपकी रीडिंग में आपने अगर द मास्टर यानी जिस कार्ड के ऊपर ओशो खुद बने हुए हैं उसको चूज़ किया था तो आपका पाइल नंबर टू है और अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोग आपको पसंद क्यों करते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपके बारे में लोग अच्छी बातें सोचते रहें लोग आपको पसंद करते रहें लोग आपको प्यार करते रहें पहला कार्ड आपके लिए जो आया है ये है द मून दूसरा कार्ड आपके लिए जो आया है यह है थ्री ऑफ द कप्स कार्ड नंबर थ्री पर आपके लिए है प्रिंस ऑफ द शॉर्ट्स प्रिंस ऑफ द शॉर्ट्स नंबर फोर आपके लिए आया आई हैं प्रिंसेस ऑफ द पेंटिकल्स जी हाँ ये आई हैं फीमेल हैं यानी इस कार्ड की जो एनर्जी है वो थोड़ी फेमिनिन भी है और लास्ट में आपके लिए आया है एट ऑफ दॉन्ट्स बड़ा बढ़िया कार्ड लास्ट वाला कार्ड देख के मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा है और आपके लिए प्रिंस ऑफ द शॉर्ट्स क्यों आ गए हैं ये शॉर्ट हाउस के प्रिंस हैं जो किसी की परवाह नहीं करते ये किसी की परवाह नहीं करते इन्हें सिर्फ अपनी जीत से अपने काम से मतलब है किसी के मतलब अगर इनकी भाषा में कहें तो किसी के जीने मरने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता काफ़ी निर्दयी होते हैं <laughs> ये अच्छा शब्द था ना निर्दयी होते हैं तो खैर पाइल नंबर टू आप को लोग पसंद क्यों करते हैं क्योंकि आपका साथ लोगों को ऊर्जा से भर देता है आप कितने भी डिप्रेस हों लाइफ में आपके कुछ भी चल रहा हो आप अच्छा बुरा जैसा भी फील कर रहे हो लेकिन जब लोग आपके साथ होते हैं तो आपको एनर्जी से भर देते हैं और आप उस ऊर्जा में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं जो लोगों की ऊर्जा होती है यानी जिस भी एज ग्रुप के साथ आप इन्वॉल्व होते हैं उस एज ग्रुप के साथ घुलने मिलने में आपको समय नहीं लगता है आपके बारे में आपका जो पैशन है आपकी जो ऊर्जा है पहली चीज़ तो ये कि आप हर व्यक्ति के साथ में तालमेल मिला लेते हैं काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं तो ये एक ऊर्जा है जो खुशियां या सेलिब्रेशन को प्रमोट करती है लोगों के साथ को प्रमोट करती है तो इसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं अब इस एक ऊर्जा को जो दूसरी बताने जा रहा हूं उससे कंपेयर ना करें मिक्स ना करें अलग समझने का प्रयास करें दूसरा आपका पैशन है आपका जोश आपकी उमंग और अपने काम के प्रति आपका जो फोकस है ये भी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है कभी कभी हो सकता है आपने अपनी तारीफ में सुना हो कि बड़े एनर्जेटिक रहते हो कैसे करती हो ये सब रहते हो करती हो मतलब आप समझ लें मैं सभी जेंडर्स के लिए बात कर रहा हूँ इसका मतलब ऐसा है मैं कभी कभी फीमेल मेल दोनों जेंडर में बोलता हूँ तो उसका मीनिंग होता है कि फीमेल्स ये ना सोचे कि उनके लिए नहीं चल रहा और मेल्स ये ना सोचें कि उनके लिए नहीं चल रहा तो इसलिए दोनों जेंडर पर मैं बातें ऐसे करता हूं ठीक है अब आपकी जो पैशन है आपकी जो वो ऊर्जा है जो अपने काम के प्रति दृढ़ता को दिखाती है आपके इंथोजियाज्म को दिखाती है आपके आगे बढ़ने के पैशन को दिखाती है ये लोगों को बहुत पसंद आती है लेकिन कभी कभी कुछ दुश्मन भी क्रिएट कर देती है आपकी जो आपसे चिढ़ जाते हैं आपको पता होगा कि अरे मतलब आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और अगले को इसी बात से प्रॉब्लम है कि अरे ये क्यों कर रहा है क्यों कर रही है ऐसा तो उन लोगों को इग्नोर कर दें क्योंकि आपको पता है कि वे आपके रास्ते में आने वाले वो कंकड़ हैं जो अपने आप हट जाएंगे मतलब समझ रहे हैं ना आ, साइड हो जाएंगे तो उनके बारे में ज्यादा परवाह नहीं करनी है लेकिन आप अगर अपने कैरियर के ऊपर फोकस करते हैं या धन के ऊपर आपका जोर ज्यादा रहता है तो यह चीज कभी कभी लोगों को पसंद भी आती है और अखरती भी है दोनों चीजें हैं मिक्स हैं थोड़ा सा इस चीज को आपने देखा होगा आपके द्वारा अगर इंपॉर्टेंस दिया जाता है मनी को तो इसके लिए कभी कभी आपको अप्रिसशन मिलती है इम्पोर्टेंस आप देते हैं तो इसके लिए कभी कभी डिसएपरीशिएशन भी मिलती है लेकिन आपके बारे में जो सबसे गजब की बात लोगों को लगती है वो ये लगती है कि आप इस वोलाटाइलनेस में भी जो ये मैंने बताया ना उतार चढ़ाव वाले व्यक्ति तो इसके बावजूद आप अपने आप को बिल्कुल ग्रेसफुल रखते हैं खोते नहीं हैं अपने आप को और फोकस्ड रहते हैं आपके द्वारा आपके ऊपर किए जा रहे आक्रमणों को आक्रमण मतलब आपके बारे में जब लोग निगेटिव बातें करते हैं लोग आपके बारे में गलत बयानबाजी करते हैं आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं उस समय जिस तरह से आप दूसरे लोगों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं दूसरे लोगों को भी टारगेट कर देते हैं वो चीज़ कुछ लोगों को एक्चुअली बहुत सही लगती है कि आप सहने वाले व्यक्ति नहीं हैं और ये सहने वाला नेचर आपको एक्चुअली रखना भी नहीं है अब और रेकल योगिक पार्ट से मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा और एकल कार्ड से स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा आती है जो आपको गाइड करेगी कि आपको अपनी पर्सनालिटी में क्या इम्प्रूव करना चाहिए या क्या चीज़ कंसिस्ट रखनी चाहिए जिससे आपकी लोकप्रियता बनी रहे एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है वो ये कि कभी कभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब काम कर रहे होते हैं तो अपने निकटतम लोगों को इग्नोर कर देते हैं हो सकता है अपने घर वालों को इग्नोर कर देते हों चीज लोगों को थोड़ी सी नापसंद आती है इसको अप्रिशिएट करते हैं लोग पहले तो ये समझ लें अप्रिशिएट इसलिए करते हैं कि बड़े फोकस्ड हैं लेकिन लोगों को नापसंद इसलिए आती है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं तो अब आप इसको पॉजिटिव वे में लें निगेटिव वे में लें आपके ऊपर है इसमें कोई पॉजिटिविटी निगेटिविटी दोनों नहीं आ रही मैं सिर्फ आपको बता रहा था क्योंकि ये कार्ड ने ये इन्फॉर्मेशन भी दी थी पहला कार्ड और एकल यौगिक पात से आपके लिए छिन्न मस्ता माता छिन्न मस्ता दश महाविद्या में से एक माता पार्वती के कई रूपों में से एक दूसरा कार्ड आपके लिए तंत्रा तंत्रा मतलब अब इस पर शिव और शिवा शिव और पार्वती की फोटो बनी हुई है तंत्र के बारे में बता दूं इसे आगम कहा जाता है शास्त्रों में आगम का मतलब शिव से निकला और गम का मतलब पार्वती द्वारा संकलित किया गया आत्मसात किया गया तो जो ये तंत्र शास्त्र हैं पूरे सनातन धर्म के इनके प्रणेता इनके जो आरंभ करता है ये सारे शिव हैं और शिव ने भगवान शंकर ने शिव मतलब भगवान शंकर शिव अपने आप में कंप्लीट नाम है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है तो शिव ने वो तंत्र की जो जानकारी थी वो विद्या थी वो सबसे पहले माता पार्वती को दी और तंत्र के पहले जो उनके शिष्य बने वो भगवान विष्णु बने इसके बारे में कभी विस्तार से बताऊंगा जब तंत्रों पर जानकारी दूंगा अगला कार्ड आपके लिए है राधा जी हाँ कृष्ण की राधा वाइट ड्रेस में बिल्कुल और आपके लिए जो चौथा कार्ड आपके लिए आया हुआ है ये है सत्य यहाँ पर जो सत्य आया है ये वो सत्य है जो एक्चुअली जिसे ट्रुथ कहते हैं ट्रुथ का मतलब मैं भी आपको बताता हूं ये कार्ड ही बता देगा फिर वही बताऊंगा मैं अपने मन से क्या बोलूँगा <laughs> लास्ट कार्ड आपके लिए है शिव तो पांच कार्ड और एकल योगिक पात से आपके लिए आ चुके हैं Okay. तो नंबर आपके लिए सबसे ये है जो लोगों को पसंद आती है वो ये कि आप अपने आप अपने में काफी स्वार्थी होते हुए भी अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ी स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन के साथ रिलेट करके बता रहे हैं तो हो सकता है आपको कॉन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो तो उसको फिर से समझाऊंगा इतमिन से आप अपने स्वार्थ की साधना करते हुए जब आप अपना काम फोकसली अपने आप में कर रहे होते हैं पूरी तरह फोकस्ड हो जाते हैं तो कहेंगे ना कि आप अपने स्वार्थ की सिद्धि कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरों का जो ख्याल रखते हैं अपने काम के प्रति पूरा हंड्रेड परसेंट समर्पित होते हुए भी जब दूसरों की केयर करते हैं तो ये एक चीज आपको कई लोगों से अलग कर देती है और आपके बारे में लोगों को गदगद कर देती है कि आप जैसा कोई व्यक्ति उनका संबंधी है उनका फैमिली मेंबर है या उनका मित्र है दूसरों के लिए किए गए त्याग की वजह से दूसरे भी आपके लिए त्याग करने की भावना रखते हैं इसलिए कभी कभी दूसरों को इस्तेमाल करना चाहिए आपको आपको इसकी छूट है आपको। दूसरा तंत्र और राधा ये दो जो कार्ड्स का संगम है या दो कार्ड्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये इंफॉर्मेशन देता है कि आप अपने आप में किसी प्रकार के एडिशनल परिवर्तन की जरूरत को नकार दें आपका व्यक्तित्व तो जैसा है थोड़ा अप डाउन वाला है थोड़ा वोलाटाइल है थोड़ा सा उसमें उतार चढ़ाव है थोड़ा उसमें समझने की मतलब जैसे कुछ नए लोग आपसे जब कनेक्ट होते होंगे तो उनको आपका व्यक्तित्व तो नहीं समझ में आता होगा कि आप पॉजिटिव पर्सन है कि नेगेटिव पर्सन है आप आगे की सोचते हैं या पीछे की सोचते हैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे तो ये जो व्यक्तित्व तो आपका है इसे बनाए रखें ये आपका की पॉइंट है इसकी इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है इसमें किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी नहीं है ये बनाए रखें इसके साथ चलें लेकिन खुद पर गर्व करें अगर आपको लगता है या दूसरे व्यक्ति आपको थोड़ा उपेक्षित भी करते हैं तो स्वयं पर गर्व करें कभी डिप्रेस ना हो कोई नया मित्र आया उसे आपका व्यक्तित्व तो नहीं पसंद आया वो चला गया तो चले जाने दें। जो आया उसका स्वागत जो गया उसको बाय बाय सत्य और शिव दो कार्ड साथ में आए हैं सत्यम शिवम सुंदरम जो सत्य है वो शिव है इसकी मीनिंग बताता हूं आज आपको सत्यम शिवम सुंदरम बहुत लोग कहते हैं ये सुना होगा स्लोगन आपने लेकिन इसकी मीनिंग क्या है और अक्ल योगिक बहुत बड़ा फायदा ये हो रहा है कि बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें टेरो में ही आ जा रही हैं जो सत्य है वही शिव है शिव का अर्थ होता है वो जो है, है, है। वो जो प्रेजेंट में है वो जो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे वो पहले भी प्रेजेंट में थे अभी भी प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी वो प्रेजेंट रहेंगे वो रहेंगे ही रहेंगे तो जो सत्य है वही शिव है ट्रुथ इज शिव जो सत्य है उसे हटाया और मिटाया नहीं जा सकता कहते हैं ना सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता नष्ट नहीं किया जा सकता तो जो सत्य है वही शिव है जो कंसिस्ट रहेंगे हमेशा रहेंगे जिनका ना आना है ना जिनका जाना है जो हैं 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 ना वो आते हैं ना जाते हैं बाकी आते जाते हैं शिव नहीं आते शिव तो हैं तो जो सत्य है वही शिव हैं यानी अब इसको रिवर्स में बताता हूं जो शिव हैं वही सत्य हैं उनके अलावा कोई और सत्य नहीं है और जो शिव हैं चूंकि वो हैं है, है। ना वो आएंगे ना जाएंगे ना वो जन्मे हैं ना मरेंगे ना उनको कभी आना है ना उनको कभी जाना है वो सदा से थे और सदा रहेंगे इसलिए सदा शिव कहते हैं तो इससे सुंदर जो हमेशा हैं और हमेशा वैसे ही रहेंगे इससे सुंदर तो संसार में कुछ हो ही नहीं सकता इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम ये आता तो सत्य और शिव दो कार्ड्स आपके लिए आए हैं आप अपनी जेनविनिटी को बिल्कुल बरकरार रखें जो बात पहले तंत्र और राधा कार्ड ने बताई आपको कि आप अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन ना लें वही चीज थोड़ा सा रिप्लीकेट करके थोड़ा मॉडिफाइड करके सत्य और शिव कार्ड कहते हैं लेकिन यहां शिव आपसे चाहते हैं कि आप अपने आप को थोड़ा सा अब इनकी लैंग्वेज में अब इनकी लैंग्वेज में कहूं तो नृत्यमय बनाए रखें नृत्यमय मतलब चलायमान बनाए रखें जैसे मैं आपको समझाता हूं शिव का नटराज स्वरूप जैसे ये कार्ड अगर यहां आपको थोड़ा दिखे शिव का नटराज रूप है आपने देखी होगी शिव की नटराज की मूर्ति है कई ऐसे रिलीजन्स इस दुनिया में हैं कई ऐसे मजहब इस दुनिया में हैं जो बिलीव करते हैं कि ईश्वर कभी हंसे नहीं जो हंसे वो ईश्वर हो ही नहीं सकता लेकिन अगर उनको शिव के बारे में कुछ पता चले तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि शिव तो नाच रहे हैं और अगर साइंस की माने तो ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है सब कुछ चलायमान है ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है गैलेक्सीज घूम रही हैं आपको बताता हूँ ये बात ध्यान से सुनिएगा कंफ्यूजन हो तो रिपीट सुनिएगा जो लोग साइंस के नहीं है उन्हें यह बात सुनकर अजीब लगेगा पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर चलिए और थोड़ा पीछे से करते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है सूर्य गैलेक्सी के चारों ओर घूम रहा है मिल्की वे जिस गैलेक्सी में हम हैं और हमारी गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में घूम रही है स्थिर कुछ भी नहीं है पृथ्वी की अपनी कक्षा भी घूम रही है सूर्य भी कई लाख किलोमीटर पर मिनट की रफ्तार से घूम रहा है ब्रह्मांड में सफ़र कर रहा है और उसके साथ साथ पूरा सोलर सिस्टम चल रहा है और उसके साथ साथ पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए भी आगे बढ़ रही है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगा रहा है गैलेक्सी का भी लगा रहा है और ब्रह्मांड का भी लगा रहा है तो यह सब चलायमान है किसी भी चीज़ को चलायमान रखना मतलब नृत्य में डाल देना इस ब्रह्मांड के बारे में इस पूरे दुनिया के बारे में कहते हैं ना हमारे वेदों में है कि शिव के नृत्य से ही शिव का तांडव कहते है और हैं नृत और नृत्य दो चीजें हैं शिव के नृत्य से सृजन और तांडव से विसर्जन हो जाता है तो अगर शिव का नृत्य चल रहा है तो ये ब्रह्मांड चलायमान है तो शिव कहते हैं अपने आप को नृत्यमय रखिए चलायमान रखिए मींस बदलाव की उम्मीदों को बरकरार रखिए रुकिए मत ठहरा हुआ पानी जम जाता है सड़ जाता है लेकिन अगर पानी बहता रहे सदा बहता रहे तो वो पानी में कभी कुछ सड़ांध या गंध नहीं आती है तो आपको वही करना है अपने आप को चलायमान रखना है अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं लाना है जैसा इन्होंने कहा आपका व्यक्तित्व तो वोलाटाइल है अप्स एंड डाउन्स हैं अब वोला पानी की लहरों जैसा हुआ रिलेट कर रहा हूं समझ लीजिए दो कार्ड्स बताते हैं तंत्र और राधा के व्यक्तित्व तो आपका वोलाटाइल है अप एंड डाउन है तो उस वोलाटाइल ने पानी की लहर मानिए शिव कहते हैं परिवर्तन के लिए तैयार भी रहिए नृत्य करते रहिए यानी उस वोलाटाइलनेस को कंसिस्ट रखिए बरकरार रखिए और अपने आप को ऐसा चलायमान रखिए कि आपके उस वोलाटाइल व्यक्तित्व में नई चीजें शामिल होती रहें ब्रह्मांड रुक नहीं रहा गैलेक्सीज अभी भी बन रही हैं नई दुनियाएं अभी भी बन रही हैं ब्रह्मांड का बनना जारी है साइंटिस्ट परेशान है वो तो कहते हैं मल्टी यूनिवर्स हो सकता है, तो है।, 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 है। hey, ऐसे, ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड मेरे शरीर मेरे विराट शरीर के एक हिस्से में विराजमान है तो कृष्ण ने गीता में ही डिफाइन किया था पांच साल पहले कि मल्टी यूनिवर्स हैं एग्जिस्ट करते हैं तो उस चीज को साइंस अभी खोज रहा है उन्हें बहुत टाइम लगेगा साइंस बहुत पीछे है खैर तो अपने आप को चलायमान रखें अपने आप को गतिमान रखें अपने व्यक्तित्व में नई चीजों को ऐड करें पुरानी चीजों को साथ लेकर के चलते रहें और अगर पुराने में कुछ खराब हो रहा है तो उसे हटाते भी चले चलायमान रखें चलायमान मतलब चलते रहने दें तो पाइल नंबर टू आपके लिए इतना ही अपने व्यक्तित्व में क्या क्या करना है मैंने आपको बताया आप कैसे हैं लोग आपको क्यों पसंद करते हैं ये भी मैंने आपको बताया आज का वीडियो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा कि आज आपको क्या क्या अच्छा लगा क्या क्या नहीं अच्छा लगा व्हाट जो भी अगले वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी तब तक बाय बाय हेलो पाइल नंबर थ्री आप सभी का स्वागत है आपने अगर दो क्रिएटर कार्ड को चूज किया था जैसा कि पाइल नंबर थ्री का कार्ड है तो आपकी पाइल थ्री नंबर है ही <laughs> चुका तो अब आपके लिए रीडिंग शुरू करता हूं और देखता हूं कि ड्राइड क्राफ्ट टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या लेकर के आए हैं काफी बड़े कार्ड हैं राइडर वाइट की डेक से दोगुने तो नहीं है लेकिन लगभग नियरली दोगुने कार्ड्स हैं तो चलिए बच गया किरा नहीं ओके तो पहला कार्ड आपके लिए है प्रिंसेस ऑफ द कप्स एक्साइटमेंट जो मेरा ये दिख रहा है ना पाइल सॉरी कार्ड नंबर वन प्रिंस ऑफ कार्ड नंबर टू तो प्रिंसेस uh, तो, और प्रिंस दोनों आ गए एक सॉफ्ट एक टफ एक आपको माफ कर सकती है दूसरी आपको माफ करने की गलती नहीं कर सकता तो ये दोनों का नेचर है तीसरा कार्ड आपके लिए रिबर्थ कार्ड नंबर फोर आपके लिए है बहुत अच्छा यहां से आ रहे हो फोर ऑफ द पेंटिकल्स अगर आपने ध्यान दिया हो वीडियो को कुछ सेकंड्स पीछे ले जाकर देखें तो मैं कहीं और से निकाल रहा था और यह कार्ड कहीं और से आया तो जिसे जहां से आना है वो वहीं से आता है और लास्ट कार्ड आपके लिए है ओके नाइन ऑफ पेंटिकल्स काफी क्यूट कार्ड है नाइन ऑफ द पेंटिकल्स इस डेक में तो पाइल नंबर थ्री आपके व्यक्तित्व में लोगों को जो पसंद है वो ये पसंद है कि आप कई बार लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं आप भूल जाते हैं उन्होंने क्या किया आप मिस कर देते हैं कि उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा आप मिस कर देते हैं कि उन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी आप योगी व्यक्ति की तरह से अपने आप को एक सत्य के पथ पर चलाए मान रखते हैं लेकिन आपकी एक बात उन्हें बड़ी बुरी लगती है किसी चीज को पकड़ लेते हैं ना तो बैठ जाते पकड़ के और उस चीज को तब तक पकड़े रखते हैं जब तक सामने वाला घुटनों पर आकर के माफी ना मांग ले या आपके साथ उस रिलेशन में चीजें खत्म ना हो जाए जब आप पकड़ लेते हैं तो एक्चुअली अच्छा काम करते हैं गिल्ट मत रखिएगा कोई भी रिलेशन हो कुछ भी हो पहली चीज तो आप पकड़ते नहीं है दूसरी चीज जब पकड़ते हैं तो ठीक से पकड़ते हैं ऐसा समझे प्रिंसेस और प्रिंस दोनों आए हैं कब्स के हाउस से प्रिंसेस जो ये प्रिंस और प्रिंसेस कब्स के हाउस से होते हैं ये बड़े ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं मतलब मैं आपको टैरो के बारे में बता रहा हूँ अभी मैं इंटरप्रिटेशन बताता हूँ पहले तो बता दू ये बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं ये किसी का नुकसान नुकसान नहीं करते चाहे प्रिंस हो चाहे प्रिंसेस हो चाहे क्वीन हो चाहे किंग हो चाहे, चाहे पैग हो तो पैग पैज कई चीज कहा जाता है तो ये किसी का नुकसान नहीं करते लेकिन यहां आपके लिए प्रिंस ऑफ द कप्स इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी नेगेटिव लेकर के आए हैं और वो बताते हैं कि जब आप चीज़ों में दूसरों की गलती को एक बार कैच कर लेते हैं तो उसको छोड़ते बिल्कुल नहीं है लेकिन प्रिंसेस कहती हैं कि आपका माफ़ करना एक नेचर बन गया है और आप उस चीज़ से छूट भी नहीं सकते उस पर्सन की गलती को पकड़ने के बावजूद आप उसे माफ़ कर देते हैं लेकिन उस पर्सन में इतनी गिल्ट आ चुकी होती है कि वो पर्सन आपसे नजरें नहीं मिला पाता ये आपका प्लस पॉइंट है वो पर्सन फिर भी पसंद आपको करता है कहे ना कहे दूसरों से आपकी तारीफ जरूर कर देता है कि दिस पर्सन इज़ वेरी जेनुन दिस पर्सन इज़ गुड आपके बारे में चूँकि आज मेरा टॉपिक है लोग आपको पसंद क्यों करते हैं इसलिए पॉजिटिविटी थोड़ी ज़्यादा आ रही है थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी भी आ रही है आपके बारे में लोगों का मानना है कि आप अपनी सोच को बदल देते हो आप एक ट्रैक पर थे तो दूसरे पर आ जाते हो दूसरे पर थे तो तीसरे पर चले जाते हो तो ये वोलाटाइलनेस आपका वोलाटाइलनेस नहीं कहेंगे इसको परिवर्तन कहेंगे चेंजनेस आपका बना रहता है तो इस चेंज की वजह से लोगों को कभी कभी आपके व्यक्तित्व को थोड़ा समझने में परेशानी होती है लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल समस्या नहीं है क्योंकि आपके अनुसार आप परिवर्तन नहीं कर रहे बल्कि ग्रो कर रहे हैं ठीक है ना आपको तो लगता है कि अगर आपके मूड में आपकी पर्सनैलिटी में कुछ कमी थी तो आपने एक चीज़ ऑन करी अब आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी इम्प्रूव हुई सामने वाले को वो चेंज लगता है तो आपकी क्या गलती है है ना आपकी गलती तो नहीं है आपने थोड़ा और इम्प्रूव किया सामने वाले को और चेंज फील होने लगा तो अब ये उसके दिमाग में है तो उसको थोड़ी बदल सकता है कोई लेकिन आप जब इनसिक्योर हो जाते हो तब लोग उस चीज़ को एक्चुअली भाप लेते हैं और उसे उस इनसिक्योरिटी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं आपको चाहिए कि आप अपने आप को इस तरह प्रदर्शित करें नाइन ऑफ द पेंटिकल्स कहती है कि इस तरह प्रदर्शित करिए कि आपकी इनसिक्योरिटी किसी को पता ना चलने पाए यू आर सिक्योर बट डोंट लेट टू नो अदर्स जब दूसरों को यह पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी है तो आपके खिलाफ वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके व्यक्तित्व से लोगों को थोड़ी घबराहट हो जाती है आपका जो व्यक्तित्व है इसकी जो आक्रामकता है यह कभी कभी लोगों को उद्वेलित कर देती है कभी कभी लोगों को उद्वेलित मतलब आक्रोशित यह भी हिंदी हो गया पैशनेट कर देती है बट निगेटिवली पैशनेट कर देती है अब ये इसकी हिंदी इंग्लिश है अब इसको आप समझ लें आक्रोशित मतलब आक्रोशित का मतलब होता है पैशनेटली गुस्सा करना लेकिन वो एक्चुअली गुस्सा नहीं होता आक्रोशित की इंग्लिश क्या होती है जो भी होती हो मतलब इसको समझें कि पैशनेटली नेगेटिव चार्ज कर देती है ऐसा समझें बस तो खैर अब आपके लिए औरकल यौगिक पाथ लाया हूँ और इससे मैं आपको बताऊँगा कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके बारे में थोड़ी स्पिरिचुअल जानकारी आएगी और थोड़ी डीप जानकारी आएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं जब जैन कार्ड्स यूज़ करता था ओशो वाले तो उससे आती थी तो चलिए औरल यौगिक पाथ मेरे पास सफल हो गए हैं इस कार्ड्स की साइज बिल्कुल सही है ये बहुत बड़े नहीं हैं और बहुत छोटे भी नहीं हैं बिल्कुल सही हैं तो अरेकल योगिक पाठ से आपके लिए मेरे पास पहला कार्ड जो आया है वो है अहिंसा गजब का कार्ड है है ना ये मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में बताया था ये वो अहिंसा नहीं है जो गांधी जी की थी ये अहिंसा है स्पिरिचुअलिटी की गांधी जी की अहिंसा दूसरी थी उसका इससे कोई लेना देना नहीं है मतलब जमीन आसमान का अंतर है कोई गांधीवादी देख रहा होगा तो बुरा मान जाएगा है ना दूसरा कार्ड मेरे पास आया है धूमावती ये अपने आप में निगेटिव एनर्जी से भरा हुआ कार्ड होता है और इनकी निगेटिविटी आनी शुरू हो गई मेरे पास लेकिन तीसरा कार्ड बड़ा प्यारा सबके प्यारे हमारे दुलारे हनुमान चौथा कार्ड मेरे पास ये आया है सहस्रहार सहस्रहार मतलब जिसको क्राउन चक्र कहते हैं वो है और लास्ट में आपके लिए आया है तमस का जो कार्ड है ये आया हुआ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इंटरप्रेट करने के लिए तो मतलब जब मैं ओरेकल कार्ड्स निकालता हूं, योगिक बात वाले तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी फील भी होने लगती है बहुत एनर्जी भी फील होने लगती है चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए तो पाइल नंबर थ्री आपके लिए जो आया है वो ये आया है कि जब आप किसी पर्सन को एक तरह से समझें सबक सिखाना चाहते हैं या इसको इस तरह समझें कि सबक नहीं सिखाना चाहते हैं दोनों चीज़ें हैं अब दोनों कैसे हैं बताता हूं जैसे कि प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ द कप्स आ गए हैं दोनों मिलकर के तो ये एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन गई ठीक है तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अहिंसा के कार्ड में भी आ रही है जब आप किसी को दुख देना चाहते हैं तब जब आप किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं तब ये दो चीजें हैं दोनों अलग अलग हैं अब दोनों में अहिंसा का पालन करना आपको है क्या करना है वो बताता हूं जब आप किसी को दुख देना चाहते हैं तो इस बात की परवाह करें कि उसका ईगो हट ना होने पावे ये कैसे करेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई ना कि किसी को दुख देना है लेकिन ईगो हट नहीं होना दैट मीन्स उसे रियलाइज करवाएं कि गलती उसकी है रियलाइज करवाएं रियलाइज रियलाइज करवाने के लिए आपको अपने अंदर थोड़ा सा परिवर्तन लाने की जरूरत है वो क्या लाएंगे अगले बात में बताता हूं फिर कहता अभी समझ में आ जाएगा फिर कहता है कार्ड की कि जब किसी को दुख ना देना हो तो अपने अंदर धैर्य रखें कि आपकी ओर से दुख प्रेषित ना होने पावे अब मैं अहिंसा की बात बताता हूं अहिंसा होती क्या है अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना हिंसा क्या होती है हिंसा दो तीन तरह से होती है शब्दों से हो जाती है आप किसी को गाली दें तो हिंसा हो गई किसी को गाली देंगे तो हिंसा हुई ना मारपीट कर लेगा आपसे <laughs> किसी को किसी वेपन से मारे डंडे वंडे कोई भी वेपन ले ले तो भी हिंसा हो गई किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई काम करें जो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दे तो ये मानसिक हिंसा हो गई इसीलिए मैंने कहा गांधी की हिंसा से ये अलग है उनकी अहिंसा सॉरी उनकी अहिंसा से अलग है उनकी अहिंसा अलग थी यह अहिंसा स्पिरिचुअल है स्पिरिचुअल लेवल में अहिंसा का मतलब है दूसरे को तकलीफ ना देना कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को मन में भी तकलीफ हो कि अरे क्या है ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए आपके बारे में ठीक है अब रियलाइजेशन की बात जो भी छोड़ी थी हमने बीच में अब आपको क्या करना है कि उस पर्सन को अपनी एक्टिविटीज से पहला तो रियलाइज करवाना है आपकी एक्टिविटीज से रियलाइजेशन ना हो तो उसको साफ साफ बता दें कि आपका यह तरीका मुझे पसंद नहीं आया और आपके इस व्यवहार से मुझे दुख हुआ है. लेकिन फिर भी मैं आपको एक मौका देना चाहती हूं या चाहता हूं आप अपने व्यवहार को ठीक कर लें अन्यथा मुझे आपके प्रति अपने मन में दुर्भावना लाने से कोई रोक नहीं सकता इतनी प्यारी सी हिंदी अगर आप रट्टा मार के बोलेंगे तो पर्सन वहीं ढेर हो जाएगा <laughs> लेकिन इसकी मीनिंग ये है सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उस व्यक्ति को बता दें कि आपका व्यवहार मुझे जस्टिफाइड नहीं है बस इतना ही लेकिन मेरी ओर से आपके प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा That's it. आपका व्यवहार आपको मुबारक मेरा मुझे मुबारक आगे बढ़ते हैं धूमावती का कार्ड है जो बताते हैं कि अगर क्रोध आता है गुस्सा आ जाता है कभी तो उस गुस्से को छिपाए नहीं दबाए नहीं क्योंकि कभी कभी आप गुस्से को जब पी जाते हैं या दबा जाते हैं तो आपके व्यक्तित्व में डाउननेस आ जाती है उस डाउननेस का आपको नेगेटिव इंपैक्ट मिलता है आपकी अपनी पर्सनैलिटी डामाडोल होती है आपका मन विचलित हो जाता है और आप गलत चीजें करना शुरू करते हैं तो इसलिए उस गुस्से को दबाएं नहीं उभार दें सामने ला दें कभी कभी गुस्सा भी जायज है लेकिन सही समय पर करें हनुमान का कार्ड सहस्रार के साथ ये दो कार्ड आपस में इंटरप्रेट करते हैं और बताते हैं कि आप जब अपने व्यक्तित्व में जैसा मैंने बताया अभी परिवर्तन करते हैं तो आपके हिसाब से वो परिवर्तन है सॉरी आपके हिसाब से वो ग्रोथ है दूसरे के हिसाब से परिवर्तन है तो उस समय अपने आप को एक्चुअली इस मोड में रखना है इस मोड में रखना है कि आप ग्रेसफुल्ली ग्रो हो रहे हैं गिल्ट नहीं लानी जैसे कोई व्यक्ति अगर कह दे कि अरे आप तो बदल गए पहले वाले नहीं रह गए पहले आप ऐसा ऐसा करते थे अब ऐसा ऐसा नहीं और फिर आपने गिल्ट फील कर ली कि अरे इसका कहना तो सही है मैं अब ऐसा नहीं हूं मैं वैसी नहीं हूं तो वो जो गिल्ट की भावना है वो आपको डिप्रेस करेगी तो अपने आप में ग्रेसफुल हो जाए अगर कोई कहे कि आप बदल गई हैं अगर कोई कहे कि अब आप पहले जैसी नहीं रह गई हैं तो उसको बताएं कि मैं पहले जैसी कहाँ रह गई हूँ मेरी तो एज देखिए बढ़ गई दो साल में है ना दो साल तो ऊपर आ गई है तो बिल्कुल पहले वाली चीज़ें हट गई दो साल पहले मैंने जो खाना खाया था वो पच गया निकल गया <laughs> तो पहले वाली चीज़ वो भी खत्म हो गई दो साल में मेरे हेयर्स बहुत बढ़ गए मैंने बहुत सारे कटवा लिए तो ये भी चेंज हो गया तो सब कुछ बदल रहा है कुछ रुका नहीं है पत्तियां नहीं आ गई पेड़ों में आसमान में बादल भी नए हो गए सूर्य भी हर रोज नए तरीके से आ जाता है तो सब कुछ चेंज हो रहा है तो मुझ में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि रुक जाएगा सब कुछ नदियों में पानी बह रहा है वो भी परिवर्तित हो रहा है तो मैं भी परिवर्तित मैं भी इस सृष्टि का हिस्सा हूं तो मैं भी परिवर्तित हो रही हूँ तो इसलिए मेरे अंदर ये परिवर्तन आ रहा है जब आप इस तरह की बातें सोचेंगी या करेंगी या जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप सोचेंगे और अपने अंदर फील करेंगे तो आत्म शांति की भावना महसूस होगी जब आत्म शांति की भावना आपको महसूस होगी तब आप अपने आप को दुर्व्यसनों से दूर रख पाएंगे <laughs> किसी ने लिखा था मुझे कमेंट में कि बड़ी बढ़िया हिंदी बोलते हैं वो शायद लिखना चाह रहे होंगे बड़ी कठिन हिंदी बोलते हैं तो <laughs> अब आपको बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा था जब आप इस तरह से करेंगे तो अपने आप को बुरी संगतियों से दूर रख पाएंगे बुरी संगति किसी इंसान की ही नहीं होती एनर्जीज की भी होती है निगेटिव एनर्जी आपको नेगेटिव करती है पॉजिटिव एनर्जी आपको पॉजिटिव करती है फेमिनिन एनर्जी आपको सॉफ्ट करती जाती है मस्कुलन एनर्जी आपको हार्ड करती जाती है ठीक है तो इसलिए अपने आप को जब आप सुव्यवस्थित करेंगे अंदर में शांति का आनंद लेंगे महसूस करेंगे एक पीस महसूस करेंगे तो आप गलत संगति में नहीं जाएंगे आपकी एनर्जी गलत दिशा में नहीं प्रभावित होगी एनर्जी हमारी हमेशा प्रभावित होती रहती है सॉरी प्रवाहित होती रहती है बहती रहती है जैसे हमारी बॉडी में सात चक्र होते हैं ना आपको पता ही होगा सबसे मेन चक्र होता है मूलाधार जिसको क्या कहते हैं फर्स्ट चक्र बोलते हैं ना इंग्लिश में तो उस चक्र से ऊपर छह चक्र होते हैं और उस चक्र से नीचे भी सात चक्र होते हैं कभी बताऊंगा चक्रों के बारे में जब मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा मेरे दूसरे चैनल एस्ट्रो गुरु कृष्ण पर तो उस पर सब चीज़ें दूंगा अभी यहाँ पर वो चीज़ें नहीं आएंगी तो एनर्जी अभी क्या होती है जिनके चक्र जागृत नहीं है उनकी एनर्जी मूलाधार से उन सात चक्रों द्वारा नीचे बह जाती है खत्म हो जाती है इसलिए मैंने एक वीडियो में अपने बताया था कि अगर आप ऐसी मेडिटेशन करते हैं जिसमें आप फील करते हैं कि सहस्रार से एनर्जी नीचे उतर रही है तो उस मेडिटेशन को बंद कर दें वो गलत है क्योंकि एनर्जी को ऊपर उठाना है नीचे नहीं ले जाना क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी जा रही है ना अब आप सहस्रार की भी एनर्जी नीचे लेकर जाएंगे तब तो फिर हो गया तो इसलिए उस चीज को रोके अच्छा यहां मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको अपने आप में ग्रेसफुल रहना है अपने आप में शुद्ध और कामफुल रहना शुद्ध का मतलब अपने मन और व्यक्तित्व को शुद्ध रखना है जब आपका मन और व्यक्तित्व तो शुद्ध रहेगा तो आपके अंदर कूलनेस और कालनेस आएगी कालनेस का मतलब शांति आएगी और जब आपके अंदर अपनी शांति फील होगी तो आप डार्क डार्क नहीं कहूंगा निगेटिव कहूंगा डार्क नहीं है यहां पर निगेटिव है तो इस निगेटिव एनर्जी के साथ आ, जाने से बच जाएंगे और अपने आप में एक ऐसा फील करेंगे कि आप उस दिशा में जाते जाते वहां से वापस आ गए तो इस तरह से आपके लिए यह चीज बेटर रहेगी लोग आपको पसंद करते क्यों हैं ये आज का हमारा टॉपिक था आपकी लोगों के प्रति वफादारी आपका लोगों के प्रति जो प्यार है आपका लोगों के प्रति जो समर्पण है वो एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग आपको पसंद करते हैं कई बार लोग आपके मुंह पर नहीं कहते कई बार लोग आपके पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं और आपके मुंह पर आपकी खिंचाई भी कर देते हैं तो बुरा ना माने लोगों का आपको दूसरों से पता चल जाता होगा कि फला व्यक्ति आपके बारे में पॉजिटिव बातें कह रहे थे या कह रही थी तो उस चीज को कूल तरीके से लें अहंकार में ना आ जाए कह रहे गजब क्या बात होगी नहीं ऐसा नहीं एकदम कूल थैंक यू कहें ऐसा भी नहीं है कि इग्नोर कर दें कह रहे नहीं मैं ऐसा नहीं हूं मैं तो बुद्ध हूं यह भी नहीं कहना <laughs> वो आपने सुना कि किसी ने आपकी तारीफ करी आपको बताया कि अरे फला मिले थे वो आपके बारे में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे कि आप बहुत बढ़िया पर्सन हैं ऐसे हैं वैसे हैं ये है वो कहते तो थे थैंक यू वेरी मच बस बात खत्म ठीक है इससे क्या होगा कि वो जो पॉजिटिव एनर्जी उन्होंने आपके बारे में कहकर क्रिएट करी थी आपने थैंक यू बोलकर वो खींच ली अपने पास ये तरीका बताया मैंने आपको एनर्जी को खींचने का भी लेकिन अगर आपने मना कर दिया कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं मैं तो दुनिया का सबसे दिनहीन व्यक्ति हूं मेरे अंदर कुछ नहीं है तो आपने वो एनर्जी के लिए वॉल बना दी और एनर्जी लौट गई वापस तो खैर आपका मिलनसार व्यक्तित्व तो लोगों को पसंद आता है आपका एक लॉयलनेस जो आप दूसरों के प्रति लॉयल रहते हैं वो भी लोगों को पसंद आता है आप दूसरों के प्रति जब उनकी गलती होती है नाराज होते हैं तो आपका नाराज होना भी लोगों को अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी आपकी नाराजगी का शिकार वो हो जाते हैं लेकिन अपने आप को अंदर से शांत रखना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने आपको बता ही दिया है तो पाइल नंबर थ्री आज के लिए इतना ही आज का वीडियो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा अपने अनुभव अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी लेकिन जाते जाते आपको याद करा दूं कि मैं प्रोफेशनल टैरो रीडिंग भी करता हूं और उसके लिए ये जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर ये एक व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर कॉल करके मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय